दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अनंत अंबानी को ठीक से जानते हैं? शायद 100 में से 1-2% लोग। बीते कई सालों में हमने वाइल्ड लाइफ को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया हुआ है। हजारों हाथियों को मारा गया आइवरी के लिए, टाइगर्स को मारा गया उनके स्किन और बोन्स निकालने के लिए, सर्कस में जानवरों को टॉर्चर किया गया सिर्फ लोगों को इंटरटेन करने के लिए, और न जाने कितने ऐसे जानवरों को मारा गया होगा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। लोगों के लिए सिर्फ वही जानवर मायने रखते हैं जो उन्होंने खुद अपनी इच्छा से पाल रखा होता है, बट जब दूसरे एनिमल्स की बात आती है तो वो लोग इसका वीडियो बनाकर उनका मजाक बनाते हैं, और अपने आप को यही लोग बोलते हैं एनिमल लवर। इन दिनों गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट जामनगर काफी चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हो रही थी। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ये 3000 एकड़ की विशाल जमीन पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलिफेंट शेल्टर होम बना रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से नॉन प्रॉफिटेबल, जिसका नाम है वन तारा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये वन तारा, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली अभी गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में बताया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट शेल्टर होम यानी कि वन तारा के बारे में। आशीर्वाद से मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ, सब कुछ उठा मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, और ये खाली एक सेवा का कार्य है, और ये मेरा खुद का एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट। वन का मतलब है जंगल और तारा का मतलब है चमकने वाली चीज। जब इन दोनों चीजों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है जंगल का तारा यानी कि स्टार ऑफ फॉरेस्ट। गुजरात के जामनगर रिफाइनरी की इस ग्रीन बेल्ट एरिया के 3000 एकड़ जमीन में बने इस स्टेट ऑफ द आर्ट शेल्टर में 43 स्पीसीज के करीब 2000 से भी ज्यादा एनिमल्स का यह घर बन चुका है, जिसमें कि करीब 200 घायल लेपर्ड्स, 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल्स, करीब 1000 से ज्यादा पैंथेरा यानी कि लायन, जैगुआर और टाइगर, 3000 से ज्यादा हर्बीवोरस एनिमल, करीब 1200 से भी ज्यादा रेप्टाइल्स शामिल हैं। और इतना ही नहीं, जो विलुप्त हो चुकी 7 स्पीसीज हैं उनके लिए भी फिर से रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है। वर्ल्ड के इतने बड़े शेल्टर होम को संभालने के लिए यहाँ पर 2100 से भी ज्यादा एनिमल स्टाफ लगाए गए हैं, जिसमें कि सिर्फ 200 हाथियों की देखरेख करने के लिए यहाँ पर 500 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी वनतारा के ही अंदर करीब 650 एकड़ की जमीन पर जानवरों के लिए रिहैबिलिटेशन और हॉस्पिटल बनाए गए हैं। बात करें हॉस्पिटल फैसिलिटीज की, तो यह हॉस्पिटल एनिमल्स के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। इसके अंदर ICU, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, डेंटल स्कैनर, लिथोट्रिप्सी, कल्चरल डायलिसिस, ऑक्सीजन चेंबर और न जाने ऐसे कितने फैसिलिटीज इस वनतारा के अंदर बनाए गए हैं। अनंत अंबानी का कहना है कि यह हॉस्पिटल कोई जू नहीं है बल्कि शिवालय है, और इसी अप्रोच के साथ यहाँ पर एनिमल्स की देखरेख की जाएगी। आने वाले टाइम में यहाँ पर एजुकेशन पर्पज के लिए जूलॉजिकल पार्क बनेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स के लिए काम करेगी। अभी तक वनतारा 2 एनिमल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। पहला है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, और दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी कि WWF। आने वाले टाइम पीरियड में वनतारा सिर्फ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से ही नहीं जुड़ी रहेगी, बल्कि कई जूलॉजिकल यूनिवर्सिटीज और पूरे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज से जुड़ती चली जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक वनतारा ने ऑल ओवर द वर्ल्ड 200 एलिफेंट्स और करीब 300 से भी ज्यादा पैंथेरा कैटेगरी के जानवरों को रेस्क्यू किया है। दोस्तों, बेजुबानों में भी जान होती है और उनका दर्द समझना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। बस इसी बात को ही वनतारा के माध्यम से अनंत अंबानी पूरे वर्ल्ड को बताना चाह रहे हैं। अपने इस पूरे पैशन और जुनून का पूरा क्रेडिट वो अपने माँ यानी कि नीता अंबानी जी को देते हैं। आई थिंक माई मदर इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर फिलॉसफी। आई थिंक शी हरसेल्फ लाइक आई एम एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय द वर्क शी डज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं पर भी कोई भी जानवर परेशानी में देखते हैं तो उसका वीडियो बनाने से पहले उसकी हेल्प कर दिया कीजिए। तो आशा है दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नॉलेज के लिए अपनी प्यास को बढ़ाकर रखिए।